आमतौर पर पुलिस की छवि काफी कड़क मानी जाती है, जिसके अंदर समाज के लिए सेवा का भाव कम ही आता है। लेकिन कभी कभी पुलिस कुछ ऐसे काम करती है जिससे मन उनकी तारीफ करने को करता है। ऐसा ही काम हरियाणा पुलिस कुरुक्षेत्र में रोटी बैंक चलाकर कर रही है। इस रोटी बैंक के जरिए गरीब लोगों के लिए एक टाइम का भोजन तैयार किया जाता है, जो दो रोटी कमाने के लिए दुनिया में संघर्ष करते हैं। इस काम में पुलिस के साथ साथ आम जनता भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र पुलिस लाइन के उस कॉन्फ्रेंस हॉल की हैं, जहां पर उन लोगों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने पुलिस के साथ मिलकर एक साल पहले कुरुक्षेत्र में रोटी बैंक की मुहिम की शुरुआत की थी और आज भी उस मुहिम को बड़े ही उत्साह के साथ चला रहे हैं। रोटी बैंक के जरिए इस टीम की कोशिश थी कि गरीबों को एक टाइम का भोजन उपलब्ध कराया जाए। इस मुहिम की शुरुआत सबसे पहले हरियाणा पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक श्रीकांत जाधव ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मधुबन से की थी। श्रीकांत जाधव की ही प्रेरणा से कुरुक्षेत्र पुलिस ने भी एक साल पहले रोटी बैंक की शुरुआत की। मंशा केवल ये कोशिश है कि पुलिस और पब्लिक नज़दीक आके भूख थोड़ी कम करे, जो सब जगह है, किसी भूखे को खाना खिला सके, कम से कम एक बार खाना खिला सके। क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों के घर में रोज़ ये सवाल होता है कि आज खाना क्या बनेगा, और अनगिनत ऐसे घर हैं जिनमें ये सवाल होता है कि आज खाना मिलेगा क्या। तो ये जो दूरी है उसको कम करने की छोटी सी कोशिश है। दूसरा, कहाँ और जैसे कुरुक्षेत्र मधुबन में भी आपने स्टार्ट किया, कुरुक्षेत्र में भी हुआ, आपकी क्या मंशा है कि हरियाणा में सभी जगह हो या इस ओर कोई प्रयास चल रहा है? ये इतनी बड़ी समस्या है भूख की और खाली पेट जो हमारी जनता सोती है, परिवार पेड़ होकर रहते, कि ये तो हर जगह जहाँ भी हो, हर ज़िले में हो, हर जगह हो, हर समाज का हर अंग इसमें आगे आए